आपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में सुना होगा कि नीट एग्जाम का पेपर एनसीईआरटी से आता है, खास करके जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि पेपर एनसीईआरटी से आता है। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी ड्रॉपर हैं, जिन्होंने नीट 2023 का एग्जाम दिया होगा, और ये दावा भी वो करते हैं कि सर मेरी बायोलॉजी तो अच्छी है, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री खराब है। बट मुझे दिल पे हाथ रख के ईमानदारी पूर्वक बताना, आप में से कितने बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके बायो में 320+ मार्क्स आए? अगर वाकई में पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा था तो या तो फिर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी नहीं, और या फिर पेपर एनसीईआरटी के बाहर आता और आपको कोई बता नहीं रहा है। तो आखिर इसका जवाब क्या है, क्यों आपकी ये बायोलॉजी में 320+ मार्क्स नहीं आ रहे? और जब तक आपके बायोलॉजी में 320+ मार्क्स नहीं आ रहे, आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। अपने आप को ये गुमराह मत कीजिए। क्यों आपको लगती है आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है? क्योंकि फिजिक्स में आपके बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत नंबर आ जा रहा है। बट अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एंगल से सोचें तो जितने नंबर आपको आ रहे हैं 220, 230, 240, उतने नंबर बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी में आ रहे हैं। तो आपको अगर कॉम्पिटिशन बीट करना है तो आपको बायोलॉजी में 320+ मार्क्स चाहिए। आइए इस रीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्यों नहीं आते आपके बायोलॉजी में 320+ मार्क्स। मैं ज्यादातर सिंसियर बच्चों की बात कर रहा हूं, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए। क्यों होता है ऐसा, इस पे समझते हैं। देखो, नीट बायोलॉजी क्रैक करने के दो तरीके हैं। पहला सवाल मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, हाँ जी सर, पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। बट एनसीईआरटी जो है ना बेटा, वो आपके प्याज की तरह, प्याज समझते ना, अनियन है ना, उसकी तरह है। तो जैसे आप एक लेयर खोलोगे तो उसके अंदर एक और लेयर होगा, फिर एक लेयर खोलोगे उसके अंदर एक और लेयर होगा, है ना। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बताता हूँ कि जो एनसीईआरटी है वो दो फेजेस में मैं डिवाइड करता हूँ, है ना। पहला फेज जिसको मैं कहता हूँ रट्टाफिकेशन चैप्टर्स, आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत सारे वीडियोज में ये बताया होगा कि रट्टाफिकेशन चैप्टर, रट्टाफिकेशन चैप्टर मतलब क्या हुआ, ऐसे चैप्टर जिसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी को आपको घुमा फिरा के नहीं पढ़ना पड़ता है ना। और दूसरा फेज होता है जिसमें कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं, जिसमें एनसीईआरटी सफिशियंट तो है बट एनसीईआरटी का एक एक लेयर पील करके आपको पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा छिपी होती है जो आपको नहीं दिखता। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक चैप्टर जिसको मैं कहता हूं इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन इज द मोस्ट वर्स्ट चैप्टर, सबसे बुरा चैप्टर जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो इवोल्यूशन लिखा है। ना कोई सीक्वेंस सही है, ना आपको कुछ समझ आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, और बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। ठीक है, मैं आपको अभी इस वीडियो के अंत में पूरा लिस्ट भी दे दूंगा, कौन सा चैप्टर रट्टाफिकेशन है, कहां से आपको पढ़ना है, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स का भी मैं आपको पूरी लिस्टिंग दे दूंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वन शॉट सीरीज जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था शुरू हो गया है, एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज भी आपकी चल रही है, और पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सीरीज भी कल से शुरू हो जाएगा। तो नीट 2024 के लिए ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन दे जाएगा। ठीक है, आइए पहले मैं एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कैसे लेयर में एनसीईआरटी खुलती है। मैं बताता हूँ, आप सबके पास इवोल्यूशन की एनसीईआरटी पढ़ी हुई, आप खोलिए उसमें, ठीक है, और मैं कैसे पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी को वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ पहले पेजेस के लिए मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखी हुई है, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ स्टार्स, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना। अब एनसीईआरटी में कुछ तो पहले चीजें छिप छिप के लिखी हुई है अब यहाँ पे, ठीक है, कि लाइट ईयर दे दिया है, बट लाइट ईयर क्या चीज में मेजर होता है, क्या होता है वो नहीं लिखा, तो हमें बताना पड़ा। ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ स्टार जो है वो डाला हुआ है, ठीक है, अच्छा, व्हेन वी सी स्टार्स वी आर पीपिंग इन द पास्ट, ऐसे करके चीजें लिखी हुई। चलो ये तो फिर भी आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और फिर टाइम लाइन कि यूनिवर्स कितना पुराना है, ठीक है, अर्थ कितना पुराना है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां देखो क्या लिखा है, लाइफ अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स बैक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ नहीं लिखा कि 4 बिलियन ईयर्स वो लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, तो हमने यहां पे इसको लिख दिया 500 मिलियन ईयर्स बैक, तो 500 मिलियन 4.5 बिलियन का, तो 4 बिलियन हो गया। ऐसे डायरेक्टली सवाल आ जाता है, ठीक है, चलो ये भी तुम अगर ढंग से पढ़ोगे तो तुमको दिख जाएगा। अब कुछ चीजें जो एनसीईआरटी छिपा के रख देती है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं क्या लिखा है यहां पे, लिखा है सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड द यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स। अब ये कौन सी थ्योरी है ये नहीं दिया है,
बट थोड़ा सा मेंशन कर दिया, तो क्या हमें इसको पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैस्मोजोइक थ्योरी, पैंस्पर्मिया थ्योरी और कॉस्मोजोइक थ्योरी आपको पढ़नी पड़ जाती है। फिर देखोगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में लिखा है, और उसके फिर लिखा है कि लुईस पैस्चर डिसअप्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। तो आपको जर्म थ्योरी जो हमने पढ़ाया था, देखो ये वाला ना, लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ जाता है। अगेन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। और किसने स्पॉन्टेनियस थ्योरी ये डिसमिस किया था? तो रेडीज एक्सपेरिमेंट और स्पेलिंजेनी एक्सपेरिमेंट भी आपको पढ़ना पड़ जाता है। तो ऐसे है, तो ये एनसीईआरटी का ही पार्ट, एनसीईआरटी में छिपा हुआ। अब सबसे क्रूशियल एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक दिखाता हूं। कौन सी क्रूशियल एग्जाम्पल सर? यहां पे देखोगे आप, एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। क्या यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है? मैं एक सेकंड आपको, हाँ ठीक है। अब यहां पे देखो, एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया। क्या? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रोसेस? अब एनसीईआरटी ने यहां कुछ नहीं लिखा कि रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है क्या नहीं होता, आपसे पूछ रहा है। तो क्या ये आपके सिलेबस में है? हां जी सर, एक बार एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नीट में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग, कि तुम्हारा मेजर करने का सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है तुम्हारा लाइफ को, ठीक है। तो इसमें आ जाता था सबसे एक्सेप्टेड मेथड है, दैट इज ईएसआर मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो आपको कार्बन डेटिंग भी पढ़ने का पड़ेगा, कार्बन डेटिंग का हाफ लाइफ कितना है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये चैप्टर आपको कंफ्यूज करता है, समझे? इसी तरीके से ये चैप्टर आपको कंफ्यूज करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से चैप्टर आपके रट्टाफिकेशन चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी का डीप डाइव रिक्वायर्ड नहीं होता। सुपरफिशियल एनसीईआरटी लर्निंग मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी मैंने चैप्टर नंबर लिखा है, मैं चैप्टर का नाम भी साथ साथ बोलता जाऊंगा, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप उसको देख सकते हो। तो रट्टाफिकेशन चैप्टर मतलब लिविंग वर्ल्ड आ गया आपका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, प्लांट किंगडम आ गया, एनिमल किंगडम आ गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी आ गया, प्लांट एनाटॉमी आ गया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आ गया, और ये तुम्हारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 15 होता है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में आपका तुम्हारा मिनरल न्यूट्रिशन आ जाता है, जो रट्टाफिकेशन चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। अभी न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक हटा दिया गया, ठीक है। क्लास 12th पर एक हो गया, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इशू हटा दिया, आपको पता होगा, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ये सारे जो चैप्टर हैं जहां पे सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग काफी है, बहुत कम टाइम में आप सिर्फ 1.5 to 2 आवर्स में मल्टीपल एनसीईआरटी रीडिंग खुद से भी आप कर लोगे और इसको प्रॉपरली फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद कर लोगे, तो इसमें कभी कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं बन सकता। ये इतना ही होता है, मतलब आप सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू कीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू कीजिए, और उसके बाद आप एग्जाम्पलर कीजिए, बस। इसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी को आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे और ये चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में आते हैं। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स मतलब बाकी सारे, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो है आपके कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में आते हैं, जहां पे एनसीईआरटी प्याज की तरह खुलती है, लेयर्स में एनसीईआरटी खुलती है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स इसी तरीके से करने पड़ते हैं। तो यहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में जब आप देखोगे तो क्या होगा, आपको पहले नोट्स करने हैं अपने, हैंडमेड नोट्स प्लस एनसीईआरटी करनी है, जो एनसीईआरटी रिव्यू साथ के साथ चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू करना है, और उसके बाद एग्जाम्पलर करना है, और यहां पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी जरूरत है। कभी आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट तुम्हारे फिक्स होते हैं। तो मतलब आपको जो मेजर रैंक डिसाइडर होता है वो कौन सा होता है, वो आपका जो है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स ही होते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने तो बहुत ज्ञान दे दी, एक्चुअली बता दो हम पढ़ें कहां से और कैसे पढ़ें। यस, यही मुद्दे की बात करने के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, और आपको दिखाने के लिए एग्जैक्टली आपको कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली मैं दिखाता हूँ कैसे तुम्हारा टाइम मैं बचाता हूँ। मेरे चैनल पे तुम चले जाओगे डॉक्टर आनंदमणि, वहां पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू। अभी तक हमने 13 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट कर लिए। तो देखो जैसे
रट्टाफिकेशन चैप्टर्स तुम्हें दिख रहा होगा, फ्रॉग 1 घंटे का है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड 1 घंटे का है, माइक्रोस 1 घंटे 20 मिनट का है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 2 घंटे का है, ठीक है। और वहीं जहां पे तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आया था जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप देखोगे 4 घंटे 44 मिनट, 5 घंटे का हो जाता है ना। तो जहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गया 2.5 घंटे का हो जाता है। तो वैसे करके हमने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, और कल कल जो आ रहा है एनसीईआरटी का सबसे डरावना चैप्टर, मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर, टुमारो 8 AM, ठीक है। मतलब इसमें तुम एनसीईआरटी से पढ़ ही नहीं सकते हो अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इतना सीक्वेंस खराब है इसका, जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। सब बच्चों को पता होगा इवोल्यूशन कितना दुखदायी चैप्टर होता है। तो कल सुबह 8 बजे हम इवोल्यूशन करा रहे हैं, और उसके बाद फ्राइडे को दूसरा जो दुखदायी चैप्टर है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करा रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है कि आपको नोट्स भी मैं लिखवाता हूँ, प्लस एनसीईआरटी रिव्यू, जिस पार्ट का इंपॉर्टेंट है उसे पार्ट का एनसीईआरटी रिव्यू भी कराता हूं। तो इसी सीक्वेंस में आपका कॉन्सेप्चुअल और रट्टाफिकेशन चैप्टर्स कंप्लीट होता जाएगा, और 45 डेज में पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपका थ्योरिटिकल पार्ट कवर हो गया, ठीक। अब बोलोगे सर पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के लिए क्या करें, तो बेटा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के लिए आपको मैंने आज के लिए फिर से एक बड़ा दिल करके एक गिफ्ट दे दिया। तो देखो आप सबको पता होगा कि मेरा मॉक टेस्ट आया हुआ है ऑलरेडी, अब डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है, और हमने उस मॉक टेस्ट का प्राइस 499 रखा था कुछ दिन के लिए, अब उस मॉक टेस्ट का प्राइस 899 रखा। तो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर आपने कैसे मॉक टेस्ट का प्राइस बढ़ा दिया, तो तुम लोगों को बेटा कुछ चीजें समझ में नहीं आती। अगर मैं 499 का मॉक टेस्ट निकाल रहा हूं तो मेरी डिलीवरी डिलीवरी में 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, 150 से ज्यादा भी कुछ जगह खर्च हो जाते हैं, जो बच्चे कहीं रिमोट एरिया में। अब मैं डिलीवरी का तो पैसा तुमसे नहीं लेता हूं, तो इसीलिए 499 में मुझे मॉक टेस्ट भेजने में बहुत लॉस होता है, बट फिर भी मैंने 3,000 बच्चों को 499 में ही मॉक टेस्ट दे दी। बट अब जो बच्चे अब बोल रहे हैं सर हमें पहले पता नहीं था, तो आपके लिए बेटा मैं एक काम कर सकता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर और प्रैक्टिस, तीन चीज आपको करना है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर और प्रैक्टिस की किताब नहीं खरीदी है, तो मॉक टेस्ट के साथ मैंने एक कॉम्बो बना दिया, टेक्निकली उसी प्राइस में बना दिया कि पीवाईक्यू का कॉम्बो और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट का कॉम्बो मैंने 999 का आपके लिए बना दिया। आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाइए, तो आपको कुछ नहीं करना, fundabox.in पे जाना है या ऐप डाउनलोड कर लो fundabox का, और यहाँ पे आप पीवाईक्यू प्लस तुम्हारा टेस्ट सीरीज का कॉम्बो खरीद लो। तो इससे क्या हुआ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी आपके हो गया और टेस्ट सीरीज भी आपका आ गया। अगेन इस सब की फिजिकल बुक आपको घर पे डिलीवर हो रही है। अगेन ये भी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए बेटा बहुत लॉस होता है मेरा, तुम लोगों को ही पता होगा, तुम मार्केट में बता देना कि कौन इंसान है जो तीनों पीवाईक्यू आपको 499 रुपीज में दे रहा होगा, या कौन इंसान है आपको जो 20 मॉक टेस्ट प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे पहुंचा रहा है 499 में। तो 999 रुपीज में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की पीवाईक्यू विथ वीडियो सॉल्यूशन विथ इन ऐप प्रैक्टिस सब कुछ आपको दे दे रहा हूं। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट, पहला कल इवोल्यूशन की क्लास लगाओ यार, तुम लोग जितना शिद्दत से एनसीईआरटी रिव्यू शुरू में देख रहे थे अब नहीं देख रहे हो, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है तुम लोग को, 5-10 दिन में तुमको भटकने की आदत हो गई है, तो इसको जरूर देखिए। और दूसरा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर प्लस फंडा बॉक्स की बुक जरूर खरीद लीजिए, ये भी अगेन 48 आवर्स के लिए, फिर मुझे बाद में मत बोलना कि सर ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। fundabox.in पे जाइए, अभी ऑर्डर कर लीजिए टेस्ट सीरीज प्लस पीवाईक्यू का कॉम्बो, और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो बेटा आपको 899 पे करना पड़ेगा, है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई नोटिस मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और क्या हमसे हेल्प चाहिए, हम उसको भी जरूर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।